नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दिल्ली से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में जारी बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश पर रणनीति बनाई गई, मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई, सीएम समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। दरअसल जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है और इस मध्य प्रदेश की बैठक से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे उसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां से निकलते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं बैठक खत्म होने के बाद। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। संदीप, क्या अपडेट मिल पा रहा है बैठक के बाद? देखिए, मध्य प्रदेश में दो घंटे तक हाई लेवल दिल्ली की मीटिंग चली यहां पर और अभी अभी तुरंत मीटिंग समाप्त हुई है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बाहर निकल चुके हैं मीटिंग के बाद। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया मीटिंग समाप्त करके बाहर निकल चुके हैं। करीब दो घंटे तक मीटिंग चली है मध्य प्रदेश को लेकर दिल्ली में। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर डेढ़ डेढ़ घंटे मीटिंग चली, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर मैराथन मीटिंग हुई। दो चरणों में मीटिंग हुई। पहले चरण में ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर ये बैठक में शामिल थे। वहीं दूसरी मीटिंग जो हुई उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल थे। आप देख सकते हैं जेपी नड्डा का आवास है जहां से लगातार वाहनों का बाहर निकलना जारी है, यानी कि मीटिंग समाप्त हो गई है और सभी जो स्टेट के नेता थे और जो पहले केंद्रीय टीम में शामिल थे उनके सबके साथ परामर्श किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद थे और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मीटिंग में शामिल थे। चर्चा यह है कि मंत्रिमंडल को लेकर नामों पर मुहर लग चुकी है। सीनियर नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री के भी इसमें मशवरा लिया गया है, साथ ही स्टेट प्रेसिडेंट भी थे उनसे भी मशवरा लिया गया है। नामों पे मुहर लग चुकी है और जल्द ही मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल की जो तस्वीर है वो लोगों के सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं यही वो जेपी नड्डा का आवास है जहां पर पिछले दो घंटे से लगातार मैराथन बैठक चल रही थी। मध्य प्रदेश में खासकर दो चरणों में मीटिंग हुई। अभी तक दो राज्य और थे जो कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर डेढ़ डेढ़ घंटे मीटिंग हुई, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर सबसे लंबी मीटिंग चली। दो घंटे तक मीटिंग चली जिसमें पहले जो सीनियर लीडर थे उनके साथ बैठक की गई, उसके बाद जो स्टेट के अन्य लीडर्स थे जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष थे, अन्य जो डिप्टी सीएम थे, सीएम थे, इनके साथ मीटिंग की गई है और यहां के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके साथ मशविरा किया किन किन लोगों के नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, इस पर मुहर लग गई है। चर्चा है कि संदीप मुख्यमंत्री यहां से निकले, उसकी तस्वीरें जो आपने भेजी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री का आगे का शेड्यूल क्या कुछ पता चल पाया? क्या भोपाल वापस लौटेंगे आज ही या रात्रि विश्राम दिल्ली में होगा? और चूंकि मंत्रियों के नाम तय होने हैं, अभी मंत्री कितने होंगे क्या कुछ इसके बारे में भी कोई इनपुट मिल पाया क्या? देखिए, मंत्रियों के यहाँ मुहर लगभग लग चुकी है। जो भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे चेहरे उनके तस्वीर कुछ ही दिन में साफ हो जाएगी और यहाँ पे जो बैठकें होनी थी वो लगभग हो चुकी है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हाई लेवल की मीटिंग हुई। लिहाजा अब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जाएंगे, अभी फिलहाल वो सदन गए हैं, यहां से उनका आगे का शेड्यूल जारी होगा। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर बैठक फाइनल हो गई, यही बैठक फाइनल थी। इसमें जो भी नाम थे उन पे मुहर लग गई है और जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी में कयासों का दौर नहीं चल पाता है, हमेशा चौंकाने वाली फैसले लेती है। लेकिन चर्चा यह है कि 15 नामों पे लगभग सहमति बनी है जिसकी तस्वीर जल्द ही मध्य प्रदेश में साफ हो जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बड़ा ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट का गठन होगा उसका प्रभाव उन क्षेत्रों में पड़ेगा। अभी तक यही फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि बीजेपी इसी फॉर्मूले पर आगे चलेगी, इसी तरह की चर्चा अब तक चल रही थी। बिल्कुल, अब अगला चुनाव जो है 2024 का है, उसी को ध्यान में रखकर जो है ये मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट की नाम है वो शामिल किए जाएंगे कि इसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का विशेष फोकस किया जाएगा। वहीं जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस पिछली बार अच्छी नहीं थी और उनका समाज में भी अब प्रभाव उस कदरे का नहीं रह गया है, लगातार मंत्री पद पर बैठे हैं, उनको किनारा किया जा सकता है और नए चेहरों को शामिल किया, साथ ही महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ चढ़कर सुनिश्चित जाएगी। इस दरमियान जाति और क्षेत्रीय समीकरण पर विशेष फोकस होगा कि जो भी क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व मौजूद रहे ताकि 2024 में फिर से प्रदर्शन को दोहराया जा सके। जी बिल्कुल, और 29 लोकसभा की सीटों पर फोकस रहेगा। और जिस तरह से अभी तक चर्चा हुई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां थे, कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर मौजूद थे, प्रहलाद पटेल भी उस बैठक में पहुंचे हुए थे, उनकी सबकी भूमिका यहां पर निश्चित रूप से
यहां पर महत्वपूर्ण रहेगी। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं इस वक्त अपने दर्शकों को, मैं लौटूंगा आपके पास अभी संदीप। फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो बैठक के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। ये मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं की जो रणनीति यहां पर चर्चा हुई है, उस चर्चा के बाद जब मीटिंग खत्म हुई है उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा के आवास के बाहर निकलते हुए नेता तस्वीरें आप देखिए गाड़ियों में जब वो निकले हैं वहाँ से, और उस वक्त हालांकि मीटिंग के बारे में मीडिया से कोई भी ब्रीफिंग या कोई भी रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है नेताओं की तरफ से, लेकिन अभी जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मीटिंग के बाद जो नेता बाहर आए हैं उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। मीटिंग खत्म हो चुकी है, लगभग दो घंटे तक ये मैराथन बैठक चली है जिसमें ये चर्चा हुई कि किन मंत्रियों को क्या विभाग और किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। संदीप पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कैबिनेट बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी रहेगा, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर की तर्ज पर अभी कैबिनेट गठन की चर्चा चल रही है। हालांकि कई बीजेपी के प्रवक्ताओं से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये सब कयास है, सब चर्चा है सिर्फ, और जब बीजेपी के आलाकमान फैसला लेंगे वही असली चीज होगी, मोदी की गारंटी को आगे लेकर चलना है। बिल्कुल, मीट कैबिनेट भले ही छोटी हो लेकिन प्रभावशाली होगी, यानी कि जो 2024 के चुनाव पर असर डाल सके। बीजेपी का सीधा प्लान अब 2024 में है, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको रफ्तार मध्य प्रदेश में दी जा सके। और खासकर जैसा कि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जो गरीबी है, गरीब हैं, किसान हैं, युवा हैं और महिलाएं हैं, इन पर उनका विशेष फोकस रहेगा और इनकी योजनाएं जल्द से जल्द धरातल पर उतरे, ऐसे प्रभावशाली चेहरों को शामिल किया जाएगा कि जो कि इनपुट दे सके। इस पर पूरा यहां पे बीजेपी की जो मीटिंग्स हुई है इसमें पूरा फोकस है कि उन्हीं चेहरों को शामिल किया जाएगा जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता है, जमीन पर उतर कार्य करने की क्षमता है, संघर्ष करने की क्षमता है, और जो लंबे दिनों से पार्टी के लिए वफादार रहे हैं और जो मजबूत सीटों पर उभर कर पार्टी को बाहर लेकर आए उनको इस मीटिंग में, कैबिनेट में उनको शामिल किया जाएगा। और पूरी मंथन चला है, दो घंटे तक मंथन चला है। जो तीन राज्यों की मीटिंग हुई है उसमें सबसे ज्यादा लंबा मंथन मध्य प्रदेश को लेकर हुआ है। दो चरणों में मैराथन मीटिंग चली है जिसमें पहले राष्ट्रीय नेतृत्व में जो शामिल थे मध्य प्रदेश के नेता और जो मंत्रिमंडल में भी शामिल थे उनको यहाँ पे पहले बुलाया गया, उनके साथ मीटिंग की गई, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेश तोमर हो या फिर प्रहलाद पटेल हो, इनके साथ मीटिंग। उसके बाद डॉक्टर मोहन सिंह यादव सीएम आए, डिप्टी सीएम आए, प्रदेश अध्यक्ष आए, इनके साथ अलग से मीटिंग हुई। इसके बाद पूरे मशविरा होकर नाम फाइनल किए गए हैं और 22 तारीख से पहले कैबिनेट की तस्वीर साफ हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने न्यूज 18 से खास बातचीत की जहां उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधा। जीतू पटवारी के ईवीएम पर उठाए गए सवाल पर कहा कि जीतू पटवारी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, हंसी के पात्र बन चुके हैं। एक बैठक में हिस्सा लेना है, वो बैठक कहाँ पे है अभी चर्चा होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सर, तीन ऐसी प्राथमिकताएं जो राजेंद्र शुक्ला जी ने विंध के लिए सोची, मध्य प्रदेश के लिए सोची और डिप्टी सीएम के तौर पर जो कार्य आपको करने हो। देखिए, विंध बहुत तेजी के साथ 18 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के सुशासन के कारण बहुत आगे बढ़ा है। विंध को लोग ये मानते हैं कि तमाम संभावनाएं हैं लेकिन उतना विकसित नहीं था, लेकिन अब वहां पर 400 करोड़ रुपए की लागत का हवाई अड्डा भी बन रहा है। ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। चौतरफा विश्व स्तरीय 4 लेन की सड़कें बनके तैयार हो गई हैं और इसलिए विंध्य में अपार संभावनाएं जो हैं। इस बार जो जनादेश मिला है आप देखिएगा, हिंदुस्तान का सबसे विकसित इलाके के रूप में विंध्य स्थापित हो जाएगा। सर, आपके दो विरोधी जीतू पटवारी भी आज कांग्रेस आलाकमान से मिलने आए तो उन्होंने मीडिया से कहा हम नई धुरी पर आप लोगों पर हमला करेंगे, हम कांग्रेस बीजेपी की जो भी गलतियां उसको बाहर लाएंगे और जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की आपने। तो छिंदवाड़ा में जो 7 सीटें कांग्रेस जीती वो भी गड़बड़ा क्या? सिमरिया में अभय मिश्रा जीते कांग्रेस की, वो भी आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं जी। आइए,
तो सर ईवीएम की बात उन्होंने आज की, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अपने युवा नेतृत्व को मौका देंगे अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस, तो वो उनको जो करना है करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब विंध्य का, मध्य प्रदेश का विकास होना है। और जिस तरीके से जीतू पटवारी ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे, उस पर उन्होंने कहा कि जो छिंदवाड़ा में 7 सीटें जीती हैं उसको लेकर कांग्रेस और जीतू पटवारी क्या कहेंगे। मेरे सहयोगी सोनू मंडल के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 दिल्ली। और एमपी कांग्रेस में नई नियुक्ति के बाद जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, हेमंत कटारे ने दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। 19 दिसंबर को जीतू पटवारी उज्जैन में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। और उधर कांग्रेस में हुए बदलाव को बीजेपी ने उनका आंतरिक विषय बताया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। कमलनाथ की छुट्टी कर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं सदन में उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष होंगे, जबकि युवा हेमंत कटारे सदन में उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस में युवा नेता बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। इन तमाम नेताओं ने कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। सभी ने जिम्मेदारी को बड़ा माना और कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। हर घर में प्यार मोहब्बत की बातों से देश की भावना से कैसे अवगत कराएं और हमारा केडर मजबूत कैसे हो, चूंकि हमारा यंग देश है, हमारा युवा प्रदेश भी है, तो युवाओं की भागीदारी सिस्टम में कैसे बढ़े। और 36 कौम को इसमें एहसास हो कि ये मेरी पार्टी है और मुझे इस भावना से कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारी पार्टी में है, इसकी भावना का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सौभाग्य के राहुल जी ने हम दोनों को, सभी साथियों को एक बधाई दी और कहा कि बिल्कुल जाइए, बिल्कुल आपको पार्टी को मजबूत करना और लोकसभा के तैयार करें। नई ऊर्जा के साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मौका दिया है कार्य करने के लिए, तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में सबसे पहले लोकसभा चुनाव हमारे सर पर है। लोकसभा में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और उसके बाद जो अगला विधानसभा आएगा तब तक हम कोशिश करेंगे बीजेपी का सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से होना चाहिए। उधर कांग्रेस में हुए बदलाव पर बीडी शर्मा ने बयान दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस का निर्णय उनका अपना आंतरिक निर्णय है। मैं कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष, कांग्रेस के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष और उपनेता, तीनों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एमपी में जीतू पटवारी को कमान के साथ ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में युवाओं को तरजीह देने का साफ संकेत हुआ है। लेकिन जीतू के सामने गुटबाजी को खत्म करने के साथ ही लोकसभा चुनाव की भी चुनौती है। उनके पास समय कम है, संगठन को मजबूत करने का काम बहुत बड़ा है। ऐसे में एमपी कांग्रेस जीतू पटवारी की अध्यक्षता में कैसे आगे बढ़ती है, ये आने वाला समय बताएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा का विशेष सत्र भी शुरू होना है। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने विधानसभा पहुंचकर जायजा लिया और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि विधायक शपथ लेंगे और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष का भी चयन होगा। गोपाल भार्गव ने कहा कि अनुपूरक बजट का प्रस्ताव नहीं आया है। सर्वप्रथम, जैसी कि हमारी परंपरा है, वंदे मातरम का गान होगा। इसके बाद में कुछ समय के लिए, परंपरा है कि लगभग एक मिनट दो मिनट जितना भी हो सदन मौन रखेगा और मौन रखने के बाद में विधिवत शपथ और प्रतिज्ञान होगा। इसके पूर्व में सभापति तालिका का भी तालिका के नाम भी उल्लेख किए जाएंगे। सभापति तालिका में जो लोग रहेंगे तो उनका भी उल्लेख होगा और फिर सदस्यों के शपथ की विधि प्रारंभ होगी। और शपथ विधि में इस बार ये व्यवस्था दी है कि चूंकि जो भी विधायक चुन के आए हैं, नवनिर्वाचित विधायक भी हैं और हमारे वरिष्ठ विधायक भी हैं। और टीकमगढ़ से बड़ी खबर, दबंगों का कहर। दरअसल पति पत्नी की लाठी और डंडे से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया। कारण बताया जा रहा है कि बाल नहीं काटने पर यह विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज किया और पलेरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
जहां लाठी और डंडे से पीटा गया पति और पत्नी को, जिसका एक वीडियो सामने आया, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। टीकमगढ़ से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे कार्रवाई की जा रही है। और टीकमगढ़ से एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गंभीर हालत में पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि दोनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। दो बाल अपचारियों द्वारा घटना घटित की गई है, इसके संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। और ग्वालियर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ एक दर्दनाक हादसा, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल एक कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में यह हादसा रिकॉर्ड हो गया। झांसी रोड थाने के सिथोली रेलवे स्टेशन रोड की यह घटना बताई जा रही है। और ये हादसे के बाद मौके पर ही बताया जा रहा है कि बाइक सवार की मौत हो गई। बहुत तेज रफ्तार से आ रही कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हालांकि इस एंगल से देखने पर पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर गलती किसकी है, लेकिन आप देखिए तस्वीरें जिस तरह से, चूंकि रोड बिल्कुल फ्री मूवमेंट में चल रहा था, चालू रोड था, और ऐसे में बाइक सवार अचानक जो रोड क्रॉस करने की वो कोशिश कर रहा था, और तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें आपको देखिए, ये पेट्रोल पंप से बाइक सवार निकला और देखिए किस तरह से वो सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर, और बिना देखे यहाँ पर रोड क्रॉस करने की उसको कीमत चुकानी पड़ी, जान से हाथ धोना पड़ा। हरदा जिले के सिराली थाना पुलिस ने एक शख्स की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पत्नी प्रेमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीते दिनों धुपकरण गांव की नदी में अज्ञात शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शव की शिनाख्त कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस का यह कहना है कि प्रेमी के साथ रहने के पत्नी के आरोपियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और आरोपियों से सख्ती से पूछताछ के बाद वारदात का खुलासा हुआ। से थाना सिराली पर मर्द क्रमांक 53/23 धारा 173 जब तक रोजगारी का बंदोबस्त किया गया था, उसकी मृत्यु संदेहास्पद होने से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मर्ग जांच गंभीरतापूर्वक की। खरगोन जिले में आए दिन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बजरंग नगर का है, जहां चोरों ने सूने पड़े मकान में दिन दहाड़े लाखों के गहने चुरा लिए। जानकारी के मुताबिक चोरों ने मकान का ताला तोड़कर 13 लाख रुपए के गहने और 2 लाख रुपए चुराकर वे फरार हो गए। वारदात के दौरान घर वाले बाहर गए थे, वापस लौटने पर परिजनों को इसकी जानकारी मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब प्रकरण दर्ज कर लिया गया, जांच की जा रही है। ये हमको मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई, चौकी जेतापुर पर ये बजरंग नगर में चोरी हुई है, पुष्पा भटोरे जी के यहाँ पर सूने मकान में। तो मैं डाक दल के और मैं पुलिस फोर्स के यहाँ पर पहुँचे हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। अच्छा, अभी कुछ जानते, कुछ क्लू मिला क्या? अभी डॉग आया है, अभी देख रहे हैं। अच्छा, अभी बता रहे हैं कि उनके जेवर थे, 2 अलमारी तोड़ के ले गए हैं और अभी दिन दहाड़े चोरी हुई है, करीब 15 लाख की चोरी बता रहे हैं, अभी जाँच में है। और बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले धार्मिक और पर्यटन स्थली ओरछा में आज रात्रि विवाह पंचमी के अवसर पर भगवान श्री राम राजा सरकार के सीता जी से विवाह की अद्भुत परंपरा का निर्वहन विधि विधान से किया गया। प्रतिवर्ष की भांति आज भी विवाह पंचमी पर यहां के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर से बाकायदा भगवान राम की बारात निकाली गई और जनकपुरी के लिए गाजे बाजे के साथ ये बारात निकली, जिसमें भगवान राम राजा सरकार अपने अनुजों के साथ शोभित रहे और इस दौरान श्रद्धालु बाराती के रूप में शामिल हुए, जनकपुरी की ओर रवाना हुए।